गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, देख के याद आ भी गया होगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन था हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर का। हुआ नहीं आपसे, कुछ लोगों से नहीं भी हुआ, किसी ने अटेम्प्ट भी कर लिया, कुछ दो तीन लोगों ने अटेम्प्ट किया है और सही अटेम्प्ट किया है। तो एक बार पहले तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक बात बता दें, ये मे बी लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो उससे पहले एक टेस्ट होगा, तो टेस्ट की डेट हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे, डेट और टाइम। ऑनलाइन टेस्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन में पहले डाटा मैं बता देता हूं आपको क्या दिया गया था, जिनको याद नहीं है उनको बता दे रहा हूं कि एक ए बी वायर, ये पोटेंशियोमीटर की कहानी है, पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, जिसकी लेंथ दी गई है 400 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस दी गई है 5 ओम। इस वायर की, पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 5 ओम। और साथ में एक बैटरी लगी है, ड्राइविंग सर्किट जो है वो 5 वोल्ट की बैटरी और 15 ओम का रेजिस्टर है उसमें। तो ये रहा मेरा ड्राइविंग सर्किट। उसके बाद सेकेंडरी सर्किट जो हमारे पास लगा है वो ये सामने लगा है सेकेंडरी सर्किट, जिसमें 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। आपको पूछा ये गया है कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ एपी है, ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी? तो अगर हमें पोटेंशियोमीटर की सारी कहानी अब तक पता है, तो मैं एक बात श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप बोल ये सकते हैं कि जो, अब मैं कुछ नंबरिंग कर लूं, अगर बाय चांस ये ए बी पड़ा है, मैं इस पॉइंट को पी और क्यू नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आर एंड एस, ये जस्ट ऐसे ही नाम दे दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब तक हमने जो सीखा है वो बता रहा हूं कि इस पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और पी के बीच अगर होगा तभी ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि नल पॉइंट मुझे मिलेगा। यानी कि पी के नल पॉइंट होने की कंडीशन एक ही है, जब पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल इक्वल हो ए और पी के बीच के पोटेंशियल के। अगर ये बातें हमें पिछली याद हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जरा एक बात सुनना, क्या पी क्यू वाली लाइन के पैरेलल में आर एस वाली लाइन है? ये भी दिख रहा है हमें। तो जो पोटेंशियल पी क्यू का है वही आर एस का है। तो मैं अगर मुद्दे की बात बोलूं तो क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस एपी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस पीक्यू। एपी का पोटेंशियल पीक्यू का पोटेंशियल, और वही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस, ये पी थोड़ी देर के लिए छुपा के यहां लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल अक्रॉस आर एस। ये लाइन सीख गए हैं। ये वाली लाइन कब वैलिड है? जब नल पॉइंट पी है, यानी कि इफ पी इज नल पॉइंट देन दिस लाइन। चलिए तो अब मेरा काम क्या रह गया है, अगर मुझे ये बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनमें से इन दोनों का पोटेंशियल किसी एक का भी मैं किसके इक्वल कर दूंगा, इसके इक्वल कर दूंगा, तो मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। चलिए लेट इट बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, निकाल लेते हैं। फॉर, पहले तो प्राइमरी सर्किट के लिए निकाल लेते हैं। चलिए मैं इस तरीके से चलता ही नहीं हूं, ये तरीका ही अपना नहीं है। फॉर सेकेंडरी सर्किट, अगर सेकेंडरी सर्किट में मुझे पी क्यू के अक्रॉस या फिर आर एस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो एक कंडीशन है कि मुझे पहले क्या निकालना होगा, मुझे इसमें करंट निकालनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी सर्किट में करंट निकाल लेंगे पहले। तो सेकेंडरी सर्किट में करंट क्या होगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। सिर्फ सेकेंडरी सर्किट की बात कर रहा हूं, तो जरा बोल देना कि आर की वैल्यू कितनी है, 1.2, स्मॉल आर की वैल्यू 0.3 और ई कितना है 1.5। तो ये क्या बन गया कुल मिलकर, 1.5 डिवाइडेड बाई क्या है, 1.2 प्लस 0.3, 1.5, ये भी हो गया 1 एम्पियर की करंट हो गई इसमें। देखिए इतना कि इस सेकेंडरी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट हो गई है। तो पोटेंशियल अक्रॉस आर एस निकालने की बात करूंगा, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस आर एस कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर। करंट कितनी है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी है 1.2, कितना हो गया आई इंटू आर, वैल्यू रख देंगे, अरे सीधा मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1.2 क्या 1.2 वोल्ट हो गया है।
अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग या फर्स्ट इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं फ्रॉम वन, क्या बोल सकता हूं, पोटेंशियल अक्रॉस एपी कितना हो गया, क्या वीआरएस यानी कि 1.2 वोल्ट हो गया है, यही बात समझ गया, एपी के अक्रॉस पोटेंशियल 1.2 वोल्ट हो गया, ये हमने इक्वेशन वन से लिख दिया। अब किसी पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर कि किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वीएपी को मैं लिख सकता हूं के इंटू एल, यहां पर एल क्या है इसकी लेंथ है, ये बातें सब याद है आपको आई थिंक, पोटेंशियोमीटर वायर में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट k into l is equals to 1.2। अब मेरा अगला मोटो क्या बन गया है, मुझे इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कहां जाते थे, आप प्राइमरी सर्किट के पास आया करते थे, तो हम लोग प्राइमरी सर्किट के पास दौड़ कर जाएंगे, उससे पहले कि हमने सारा डाटा एक बार दिमाग में रख लिया, क्योंकि पिछले केस में डाटा इरेज करने से गड़बड़ हुई थी पिछले क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में। एबी की रेजिस्टेंस 5 ओम है, अच्छे से देख लिया मैंने, एबी की रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम है, चलिए अब मैं हटा सकता हूं इसको, और टोटल लेंथ कितनी है 400 है, ये भी देख लें, ये मैं अपने लिख रहा हूं, आप मत कीप लेना ऐसा इसको, मैं अपने लिए लिख रहा हूं, क्या ये सब हटा सकता हूं मैं थोड़ा सा, फॉर प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट की बात करेंगे तो मुझे अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, चलिए निकालते हैं, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, करंट, फिर पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्टेप्स याद होंगे पिछले लेक्चर से, करंट कितनी हो जाएगी फिर से ई अपॉन आर प्लस, या आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूं क्या, आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 15 ओम, तो ये रहा, और साथ में ये वायर की कितनी रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो 15 और 5 कितनी हो गई है 20, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई है 1/4 एम्पियर, ये करंट आ गई है इस ए बी वायर में, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना होगा, पोटेंशियल, वैसे इतनी जल्दी निकल आता है क्वेश्चन, इतनी देर में तो हो गया होगा अब तक, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट की वैल्यू पता है कितनी है 1/4, और ये रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, यानी कि कितना बन गया 5/4 वोल्ट, ये पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल है, हमें क्या चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वैल्यू रख दीजिएगा 5/4, और लेंथ कितनी है इसकी टोटल 400 सेंटीमीटर, के की वैल्यू मिल गई क्या मुझे, और जैसे ही के की वैल्यू मिलेगी कहां रख देंगे आप इक्वेशन सेकेंड में, तो मैं रख दे रहा हूं डायरेक्ट इक्वेशन सेकेंड में, ये वैल्यू उठाकर सेकेंड में, आप इसके बाद सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए कैसे किया, k की वैल्यू 5/4 इंटू 400 इंटू एल फाइंड करना है इक्वल्स टू 1.2। चलिए थोड़ा बहुत गुणा भाग कर लेते हैं, थोड़ा सा हटा दें, अब इस क्वेश्चन को यहां से हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो l की वैल्यू बताइए क्या बन गई, l इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 4 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको काट दिया 80 टाइम्स, एक जीरो से पॉइंट खत्म, क्लियर है इतनी बात, अब ये क्या बचा 48 इंटू 8, अरे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 8 400, अगर चलिए आपको ऐसे नहीं कर 8 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, 384 सेंटीमीटर, कितना हो गया 384 सेंटीमीटर, क्लियर है इतनी बात, ये था इसका आंसर, इसमें मुश्किल क्या थी,
मुझे समझ में नहीं आ रही है मुश्किल क्या थी, लेकिन आई होप जिनको मुश्किल लगा है कि अब बिल्कुल क्लियर होगा। अगर बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो एक बार जरूर बताइएगा कि यस सर हम ये तरह के क्वेश्चंस अब सीख गए हैं, फिर हम आपको फंसाएंगे एक बार। चलिए हटा दो इसको, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। बहुत दिन छुट्टी उड़ा ली है आपने, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। टॉपिक में पहले बता दें आपको बात क्या हो रही है। कोई सर्किट है, उस सर्किट में कोई एक डिवाइस लगी है, बैटरी लगी है। तो बैटरी क्या करती है, उस सर्किट में चार्ज को सप्लाई करती है। चार्ज बैटरी सप्लाई नहीं करती है, बैटरी चार्ज को मूव करवाती है। एक वर्ड वैसे मिसकंसेप्शन सा हो जाता है कई बार, तो बैटरी चार्ज को मूव करवाती है। तो उस चार्ज को मूव कराने में उसको कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क को हम बोलते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। मेरी बात, ये बहुत बड़ी कहानी है, इसको हम गलत तरीके से समझते आए हैं अब तक। 10th क्लास तक, मेरा मतलब है कहने का कि 10th क्लास तक कुछ अलग तरीके से हम समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि कोई एक सर्किट है, मान लीजिएगा ये एक बैटरी लगी है सर्किट में, ये एक डिवाइस लगी है। ये डिवाइस एक बल्ब हो सकता है, एक फैन हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी एक डिवाइस मैंने बोल दिया, यानी कि दिस इज ए डिवाइस। अब ये जो बैटरी लगी है, मान लिया इसका पोटेंशियल कितना है, V है। जब मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सर्किट में चार्ज मूव कर रही है बैटरी, यानी इस सर्किट में चार्ज को मूव करने का काम बैटरी कर रही है, तो कुछ एनर्जी दे रही है। और वो जो एनर्जी है, यही एनर्जी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी किसको। अब वो एनर्जी रिसीव करने वाली कौन है, यहां पर एक डिवाइस है। जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो एनर्जी रिसीव करने का मतलब कुछ अलग मत समझना, उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। ये जो बैटरी ने एनर्जी दी, उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, कुछ काम करके दिखाती है हमें। अगर ये बल्ब होगा तो इस एनर्जी की वजह से ये बल्ब जलने लगेगा, अगर ये फैन होगा तो घूमने लगेगा, अगर ये मोटर होगी तो पानी फेंकने लगेगी। डिपेंड, मोटर मतलब पानी वाली मोटर, नहीं तो फैन में भी मोटर होती है। तो कहने का मतलब क्या है, हम वो एनर्जी निकाल, अगर ये रजिस्टर हुआ, अगर ये क्या हुआ, रजिस्टर हुआ, तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ये रजिस्टर हीट अप हो जाएगा, जैसे आप अपना हीटर देखते हैं, हीटर में अगर हम सप्लाई दे दें तो वो हीटर का तार गर्म हो जाता है। तो वो क्या हुई, एनर्जी तो सप्लाई किसने की, हमारे सोर्स में सप्लाई की, दिस इज द सोर्स। और उस एनर्जी को हमारी जो डिवाइस है वो किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर रही है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, उससे हमें लेना देना नहीं, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें किससे लेना देना है, हमें इससे लेना देना है कि हमारी सोर्स ने कितनी एनर्जी सप्लाई की है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। क्लियर है, चलिए मान लिया ये सर्किट है, एक सर्किट है तो इसमें कुछ करंट होगी। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया ना। चलिए, सर्किट में करंट आई है, आई करंट है, इसका मतलब चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा इसमें, और चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो मैं कुछ मान लेता हूं कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में। क्लियर है, लेट इन टाइम टी, ये कुछ पॉइंट मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बी, चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। अब आप फिर बोलेंगे, बोलना चाहिए कि चार्ज पॉजिटिव वाला फ्लो नहीं होता, कौन सा फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं तो हम पॉजिटिव को इधर फ्लो होता हुआ मान सकते हैं, इक्विवेलेंट बातें हैं। तो क्यू फ्लो हो रहा है तो करंट कितनी हो जाएगी, क्या करंट की वैल्यू क्यू अपॉन टी हो जाएगी। ये आपको फॉर्मूला याद है, आई इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। चलिए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब मुझे निकालना है कितनी एनर्जी सप्लाइड हुई। एनर्जी सप्लाई हुई का मतलब कितना वर्क किया हमारे, जितना वर्क करेगा उतनी एनर्जी सप्लाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूं वर्क डन बाई द सोर्स, यहां पर सोर्स कौन है, ये बैटरी है, इन मूविंग क्यू फ्रॉम ए टू बी। क्यू चार्ज को ए से बी का मतलब क्या हुआ, डिवाइस के अक्रॉस मूव करने में कितना वर्क किया। अच्छा कोई बोलेगा इस डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मैंने एक बार आपको सिखाया था कि जब बैटरी होती है तो इसको वी मानते हैं, इसको जीरो मानते हैं। जहां तक कनेक्टिंग वायर रहेगा वहां तक पोटेंशियल वी, जहां तक कनेक्टिंग वायर वहां तक पोटेंशियल जीरो, यानी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल वही है जो बैटरी के अक्रॉस है। तो वर्क डन कितना हो गया क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी। क्यू की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या, क्यू इक्वल्स टू आई टी, यही हो गई। और यही वर्क डन क्या है, एनर्जी है, तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी ई इज इक्वल्स टू क्यू की जगह कितना लिख दिया आई टी इंटू वी। आई टी वी पढ़ने में अच्छा नहीं लगा तो हमने इसको लिख दिया ई इज इक्वल्स टू वी आई टी, बहुत सुंदर लगने लगा ये। मेरी बात समझ गए, तो एनर्जी कितनी सप्लाई की सोर्स में, वी आई टी, क्या यही एनर्जी रिसीव हुई, इसी एनर्जी को तो रिफ्लेक्ट करेगा ये, तो ये जो डिवाइस है ये कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, वी आई टी। हम लोग जनरली बोल देते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस इज वी आई टी, बट एक्चुअली दिस इज द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द डिवाइस बाय इट्स जो भी इसका नेचर है। मैंने बताया था, इतना नोट कर लिया आपने। अब यहीं पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि रजिस्टर की बात करते हैं स्पेसिफिक होकर, तो वो रजिस्टर की बात जब करते थे तो मैं इतना हटा दूंगा और स्पेशल केस बना दूंगा रजिस्टर के लिए। क्या वो बताने से पहले क्या मैं पावर बताना जरूरी समझ रहा हूं, एक बार पावर सबको याद है, पावर सप्लाई किसके द्वारा, सोर्स के द्वारा, ये तो याद होगा, P इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये तो याद है ना, अच्छे से याद है। वर्क डन की वैल्यू वी आई टी डिवाइडेड बाई टाइम, T से T कैंसिल, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, यहां तक सीख गया। अब स्पेशल केस बना रहा हूं जल्दी से फॉर रजिस्टर के लिए, स्पेशल केस। इफ डिवाइस इज ए रजिस्टर, अगर डिवाइस क्या हो, एक सेकंड रुकिएगा, क्या बोल रहा था मैं कि अगर ये डिवाइस क्या हो, रजिस्टर हो, तो इस डिवाइस की जगह हमने क्या लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया। और जैसे ही रजिस्टर लगाया है तो आप इसके अक्रॉस बता सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, सबको याद है V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ सबको याद है, देन V इज इक्वल्स टू आई आर। इसको अगर मैं एक इक्वेशन मान लू वन, इसको मान लू टू, तो इक्वेशन वन में V की जगह आई आर रख सकते हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगी फ्रॉम वन, एनर्जी कितनी हो जाएगी, V की जगह आई आर, आई इंटू आर, आई इंटू टी, V की जगह आई आर, तो ये क्या बन गया आई स्क्वायर आर टी, इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये एनर्जी किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा, हीट की फॉर्म में, गर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस एनर्जी को हम अब जनरली क्या बोल देते हैं, एच से डिनोट कर देते हैं, कह देते हैं हीट प्रोड्यूस इन दी रजिस्टर। बात समझे, है क्या ये एनर्जी है, उसको रिफ्लेक्ट करने का तरीका है, तो ई को एच क्यों कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ये उसने इसको रिफ्लेक्ट करने का उसका तरीका है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको कई फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये मेरे पास रखी है, इसमें आई की जगह वी अपॉन आर रख सकता था, यही बात है ना, ओम्स लॉ से आई की जगह वी अपॉन आर रख सकता, तो अल्टरनेट फॉर्म क्या बन सकती है,
एक बार और देख लें इसको, कई फॉर्म बन सकती हैं। एच इज इक्वल टू वापस से फ्रॉम वन, v यही रखा, i की जगह v अपॉन r रखा, तो क्या v स्क्वायर अपॉन r बन गया? तो ये क्या बन गया, h इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r इनटू t। एक और फॉर्म बन गया, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमें कौन सी यूज करनी है, हम वो यूज कर लिया करेंगे। ये पोटेंशियल के टर्म्स में है, ये करंट के टर्म्स में है। क्लियर हो रही है इतनी बात? अब यही क्या टर्म्स हम पावर के लिए बना सकते हैं, बहुत जल्दी से देखना। पावर में क्या गायब हो जाएगा आपको पता है, पावर का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड कर दो तो यहां से टी गायब हो जाएगा, यहां से टी गायब हो जाएगा, तो पावर के दो फॉर्मूले फिर से बन जाएंगे। डायग्राम बना लिया होगा आपने, डायग्राम बना लिया है तो जरा देखना एक बार। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पावर के टर्म्स में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये था जो फॉर्मूले बने हैं, इनमें क्या हटा दो, टी हटा दो, तो आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। सिचुएशन देख गया, समझ गए हैं इतनी कहानी दोनों? अगर ये बातें समझ रहे हैं आप तो एक बात और बता दूं आपको, बस छोटी सी, फिर आप लेक्चर ज्यादा बड़ा करते नहीं, खत्म करते हैं कहानी यहीं पे। लास्ट टॉपिक था ये वैसे भी, जनरली एक क्वेश्चन आता है रेटिंग से जुड़ा हुआ, क्या क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ये रहता है, एक रेटिंग लिखी होती है, जैसे कि फॉर ए बल्ब रेटिंग लिखी होगी, रेटिंग दी गई है, रेटिंग है 50 वॉट 220 वोल्ट। क्या रेटिंग है, 50 वॉट 220। अच्छा पावर की यूनिट पता है ना वॉट होती है, तो बहुत पुरानी बात है, 11th 10th सब में सीखी है। 50 वॉट 220 वोल्ट, इस रेटिंग का मतलब क्या होता है ये मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, और बहुत जरूरी बात है। इस रेटिंग का मतलब ये है कि अगर जो मेरा बल्ब है ये, उस बल्ब को 220 वोल्टेज दी जाएगी तो ये मेरा बल्ब 50 वॉट कंज्यूम करेगा। क्या मतलब समझे, कि एट 220 वोल्ट इट विल कंज्यूम 50 वॉट। क्लियर इतनी बात, सीख गए होंगे क्या लिखेंगे, एट 220 वोल्ट इट विल कंज्यूम 50 वॉट। हटा दें इतना। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन करिएगा, टू बल्ब्स हैव रेटिंग 50 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट 220 वोल्ट, विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई इन पैरेलल। दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया, किसके साथ, 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एक बार सोचिए पॉज करके, फिर हम बात करते हैं। सिंपल सी बात बताते हैं, ये रहे दो बल्ब, क्लियर है। अब हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस पता करनी है, तो रेजिस्टेंस का पावर के साथ कुछ रिलेशन पता है आपको, ये 220 है, इसके अक्रॉस भी 220, इसके पैरेलल में लगे हैं, सबके अक्रॉस 220 हो गई, तो हमें रिलेशन पता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। क्या ये रिलेशन पता है हमें? अब कह रहे हैं दोनों ही 220 की सप्लाई से कनेक्टेड, यानी कि V जो है मेरा कॉन्स्टेंट हो गया। क्लियर है, तो अब पावर का रिलेशन बचा किससे, रेजिस्टेंस से बचा,
तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख देंगे तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन पी, रेसिप्रोकल का रिलेशन है, मोर पावर लेस रेजिस्टेंस, मोर पावर लेस रेजिस्टेंस। पावर किस बात की, कंज्यूम्ड पावर है, कंज्यूम का मतलब जो ये रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए तो क्या बनी, अब जरा बोलना, जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, हमसे क्या पूछा गया था, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसकी पावर कम होगी, पावर कम किसकी, रूल जरा कहां गए, ये रहा, जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो आंसर विल बी 50 वॉट। यानी कि अगर इसको बल्ब को 1 मान लें, फर्स्ट बल्ब है, तो इसकी पावर कैसी होगी, कम होगी। कुछ सीखे हैं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में फंसा देता है बच्चों को बहुत बार। एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, पोटेंशियल अक्रॉस ए रजिस्टर, द पोटेंशियल अक्रॉस ए रजिस्टर इज चेंज्ड सच दैट पे क्या गड़बड़ हो गई है, सच दैट द पोटेंशियल अक्रॉस ए रजिस्टर इज चेंज्ड सच दैट the heat developed across it in unit time is increased by a factor of 9, is increased by a factor of 9। कुछ समझ में आई बात इतनी, ये 9 लिखा है, find the new potential, find the new potential, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में 2017 में आया हुआ है, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए, इतना आसान एकदम बोले तो बहुत देहाती आसान बोले तो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं मुझे उम्मीद है। क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल अक्रॉस ए रजिस्टर इज चेंज्ड, चेंज किया गया एक रजिस्टर के अक्रॉस, ये मान लिया एक रजिस्टर है आर, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल मान लिया पहले कितना लगा था वी, क्लियर है, और हीट कितनी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, डेवलप हो रही थी एच, ये मैंने मान लिया। अब की बार क्या किया हमने, यही रजिस्टर है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल बदल दिया, बदल दिया मतलब कितना कर दिया, कुछ वी डैश कर दिया, समझ ली इतनी बात, वी डैश कर दिया, तो हीट डेवलप कितनी हुई, एच डैश हुई, एच डैश की जगह 1-1 लगाने ज्यादा बेटर लगेगा आपको भी और हमें भी। मान लिया पोटेंशियल कितना कर दिया V1, हीट कितनी कर दी, हो गई H1। हमसे पूछा गया है कि नया पोटेंशियल कितना, और ये मुझे दे रखा है कितना है, 9 टाइम्स हो गई, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई बाय फैक्टर 9। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले केस में H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इस केस से ये दिख रहा है कि हीट कितनी डेवलप होगी इसमें, वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरे केस में जरा बताइएगा हीट कितनी डेवलप होगी, वी एच डैश नहीं है, क्या मान रहे हैं, एच वन मान रहे हैं, वी स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर का कितना है पोटेंशियल, क्या V1 है, तो V1 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितनी R। क्या हमें अब सीधी बात बोलें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो क्या हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आप देखना R से R समाप्त हो गया, क्या बचा H अपॉन H डैश, मैं बार बार H डैश बोल रहा हूं, H1 इज इक्वल टू क्या बचा है, V स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, दिख गई बात, तो V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जरा सा यहां पर करते हटा दें इसको, जरा देखिए जल्दी से, तो H1 की वैल्यू यहां से देखना, H1 की कह रहा हूं, V1 की वैल्यू देखना क्या बनेगी,
वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एच वन अपॉन एच, एच वन अपॉन एच, ये दिख जा रहा है v स्क्वायर इंटू एच वन कितना बढ़ गया था, 9 टाइम्स बढ़ गया था, यानी कि 9 टाइम्स हो गया था किसका, h का। पहले ही अगर h डेवलप हुई थी, हमने बनाई थी पहले कितनी डेवलप हुई थी h, अब कितनी हो रही है 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो 9h कर दी, तो h से h कैंसिल, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर से स्क्वायर हट के अंडर रूट बनेगा, तो v यहां बचेगा और 9 का अंडर रूट 3, तो कितना हो गया 3v। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड द न्यू पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल कितना हो गया 3v हो गया, यानी कि 3 टाइम्स हो गया। बात को समझ में लगी है आपके, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी, मैंने बता दिया आपको, सीख गए होंगे, ये लास्ट टॉपिक था हम लोगों का, नया चैप्टर शुरू होना है, उससे पहले या बीच में कहीं एक टेस्ट होना है, तो आप लोग पहले तो कमेंट करिएगा कि टेस्ट कब हो। दूसरा मैं एक बात सोच रहा था कि आप गिने चुने लोग आपस में कंपीट ना करें, ज़्यादा लोग कंपीट करें तो आपको पता चले कि हम कहाँ हैं अभी, सिर्फ थर्ड चैप्टर का टेस्ट जा रहा हो, तो थर्ड चैप्टर के टेस्ट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपीट कैसे कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है थर्ड चैप्टर का, डेट आप डिसाइड करिए, मैं डिसाइड करके बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको, तब तक के लिए पढ़ाई पर जोर लगा दीजिए, इस चैप्टर का टेस्ट चाहे आप बोले या ना बोले मैं बोल दूंगा, ये टेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का करवाऊंगा मैं इसको, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर करवाऊंगा तो आपको जीत के दिखाना है उसमें, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।